एक गांव में दो आदमी रहते थे। वे दोनों पड़ोसी थे। उनका नाम था रामलाल और श्यामलाल। दोनों का घर आजू बाजू में था। दोनों अपने अपने बीबियों के साथ रहते थे। रामलाल गरीब था, दो वक्त के खाने के लाले थे, इसीलिए हमेशा भगवान को याद करता। उसकी हालत देख भगवान भी प्रकट हुए और उन्होंने उसे अमीर होने का आशीर्वाद दिया, लेकिन वो कैसे अमीर बनेगा या नहीं बताया। रामलाल के घर के सामने एक आम का पेड़ था। उसे अच्छे खासे आम आए थे। उसकी बीबी बोली, देखो जी, इस आम के पेड़ के फल अब पक गए हैं, क्यों ना आप बाजार जाके इसे बेच आए, जो भी पैसे मिलेंगे उससे घर का सामान ले आओ। आज नहीं भाग्यवान, आज मेरा मूड नहीं है, और वैसे भी आम बेचकर कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हम बहुत जल्द अमीर होने वाले हैं, रामलाल बोला। लेकिन रामलाल को नहीं पता था कि भगवान ने इस आम के पेड़ पर अपनी कृपा की थी। एक रात श्यामलाल अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था, तभी उसके सिर पर रामलाल के पेड़ का एक आम आकर गिरा। अरे ये क्या, ये तो आम है और वो भी पका हुआ। तभी फिर से एक और आम उसके पास गिरा। अरे दो पके आम, आज तो इन्हें खाने का मजा आएगा, श्यामलाल बोला। ये दोनों आम उसके घर ले गया और बीबी को काटने के लिए दिए। जब उसके बीबी ने वो आम काटे तो उसमें एक एक सोने के सिक्के मिले। अरे ये क्या, इसमें तो सोने के सिक्के हैं, ये तो चमत्कार है, श्यामलाल की पत्नी बोली। अरे हाँ, ये तो सचमुच में चमत्कार है, लगता है भगवान हम पर मेहरबान है। मुझे पक्का यकीन है उस पेड़ के सभी आमों में सोने के सिक्के होंगे, श्यामलाल बोला। लगता है ये बात रामलाल और उसकी बीवी को नहीं पता, श्यामलाल की पत्नी बोली। हाँ तुम सही कह रही हो, अब देखना तुम मैं रामलाल को कैसे घुमाता हूँ, श्यामलाल बोला। फिर अगली सुबह श्यामलाल रामलाल से बात करता है। अरे रामलाल, लगता है इस पेड़ के आम पक गए हैं, क्या तुम इसे बेचने वाले हो, श्यामलाल ने पूछा। पता नहीं श्यामलाल, अभी तो मेरा कुछ मूड नहीं है, रामलाल ने जवाब दिया। रामलाल की पत्नी झट से बोली, भैया मेरे पति बहुत आलसी हैं, इन्हें काम करना जान पे आता है। अरे कोई बात नहीं बहना, अगर आप चाहो तो मैं इन आम को खरीदकर बाजार बेच आता हूँ, जो भी मुनाफा होगा आपको आधा दे दिया करूँगा, श्यामलाल बोला। क्या तुम सच में आम बेचोगे, रामलाल ने पूछा। हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिरकार हम पड़ोसी हैं और एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है, श्यामलाल बोला। चलो ठीक है, मंजूर है, रामलाल ने हाँ कहा। इस तरह श्यामलाल रामलाल को लूटता रहा। श्यामलाल पेड़ के आम तोड़ता और उन्हें बाजार में बेचने का नाटक करता, पर असल में वो अपने घर ले जाता और उसकी बीबी उन आम में से एक एक सोने का सिक्का निकालती, और इस तरह श्यामलाल अमीर बन गया। पर दूसरी तरफ रामलाल को इस बात का जरा ही अंदाजा नहीं था, वे तो थोड़े से पैसों में खुश था। लेकिन रामलाल की पत्नी समझदार थी, वो रामलाल से बोली, श्यामलाल और उसका परिवार देखिए कैसे अमीर हो गया है। अरे हमें क्या, वो मेहनत करता है, हमें उस पर जलन नहीं होना चाहिए, रामलाल बोला। मुझे उनसे जलन नहीं है, लेकिन कौन सी मेहनत करके अमीर हुए, हमारे आम बेचने के सिवाय तो वे दूसरा कोई काम करते भी नहीं, अब वो इतना अमीर बन गया है फिर भी हमारे आम क्यों बेचता है, जरूर दाल में कुछ काला है, चलो देखते हैं, पत्नी बोली। फिर वे दोनों चुपके से श्यामलाल के घर के खिड़की के पास गए। वहां से उन्होंने देखा कि श्यामलाल की पत्नी आम से सोने के सिक्के निकाल रही थी। देखा, मैंने कहा था ना कि दाल में कुछ काला है, हमारे आम में सोने के सिक्के हैं, वही बेचकर ये लोग अमीर बन गए हैं, रामलाल की पत्नी बोली। अरे सच कहा तुमने, सब सिक्के तो हमारे हैं, मैं जाकर अभी देखता हूँ, रामलाल बोला। फिर रामलाल श्यामलाल के घर जाकर उससे कहता है, श्यामलाल धोखेबाज नीच, तो इस तरह तुम मेरे आम से सोने के सिक्के प्राप्त कर रहे हो और मुझे बताया तक नहीं, बकवास बंद करो और मेरे घर से दफा हो जाओ, मैंने तुम्हारे आम खरीदे हैं तो उसके अंदर जो भी है वो मेरा है, श्यामलाल बोला। नहीं ये तुमने ठीक नहीं किया, वो सोने के सिक्के मेरे हैं, और रामलाल रोने लगा और अपने घर आ गया। तभी फिर से भगवान प्रकट हुए और बोले,
मुझे पता है पुत्र, तुम्हारे साथ कैसे धोखा हुआ है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। तथास्तु। फिर रात को श्यामलाल चुपके से आम तोड़कर घर लाता है और पत्नी को काटने को देता है। जब पत्नी ने आम काटे तो उसमें से सोने के बदले बिच्छू आए और श्यामलाल को और उसके पत्नी को काटे। वो दोनों परेशान हो गए। उन्हें बात समझ आ गई कि उन्होंने गलती की है, पर तब तक पुलिस लेकर रामलाल आया और श्यामलाल और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर थाने ले गए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। रामपुर नाम के एक गांव में भोला नाम का एक किसान रहता था। उसके पास आम का बगीचा था। वह रोज सवेरे आम के खेत जाकर उन आम के पेड़ों को पानी डालता और उनकी निगरानी करता। इस साल पेड़ों को अच्छे खासे आम आए थे। वह ऑर्गेनिक तरीके से आम को पकाता था। उसने सोचा कि इन आमों को गांव में बेचकर पैसे कमाएंगे। फिर वो उन आमों को गांव में जाकर बेचने लगा। पर इस साल भोला को आम के अच्छे दाम नहीं मिलते हैं, इसलिए वो आम को वापस घर ले आता है। तभी एक आदमी भोला से पूछता है, अरे भोला, क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? अरे भाई, मंडी में आम के दाम बहुत गिर गए हैं, इसलिए मैंने वहां आम नहीं बेचे। भोला ने कहा, तुम ऐसा करो, उन आमों को शहर के सड़क पर जाकर सीधे लोगों को बेचो। मेरा एक दोस्त किसान भी ऐसा ही कर रहा है, उसे अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। ऐसा कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। अगले दिन भोला आमों को लेकर बेचने के लिए सड़क पर निकलता है। भोला अपने आम एक भीड़ भाड़ वाले जगह रखता है। भोला के बढ़िया आम लोग हाथों हाथ लेते हैं। देखते ही देखते भोला के सब आम बिक गए और कमाई भी अच्छी हुई। वह खुश होकर घर लौटता है। भोला के पड़ोस में एक लालची किसान शंकर रहता था। शंकर चौंक जाता है। वह भोला के हाथ पैसों की थैली देखता है। शंकर चुपके से भोला और उसके पत्नी की बातें सुन लेता है कि कैसे उन्होंने सड़क किनारे जाकर आम बेचे और पैसे कमाए। फिर अगली सुबह शंकर भी अपने खेत में जाकर कच्चे आम तोड़ता है और उन पर पेस्टिसाइड दवाइयां छिड़क कर उनको पकाता है। वो सोचता है कि अब तो उनके आम खूब बिकेंगे और भोला के बराबर पैसे कमा पाएगा। अगले दिन शंकर सड़क किनारे बैठा आम बेचने लगता है, पर कोई भी उसके पास आम खरीदने नहीं जाता। लोग भोला के आम ही खाना पसंद करते हैं। शंकर को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है कि कोई उसके पास आम खरीदने नहीं आ रहा है। वह सोचता है, किसी भी तरह भोला को ठिकाने लगाना पड़ेगा। फिर रात को शंकर चोरी करने भोला के घर जाता है। भोला पैसे कपाट में रखता है। जब भोला और उसकी पत्नी सो जाते हैं तो शंकर वो पैसे चुरा कर भाग जाता है। अगले दिन भोला के घर लोग जमा होते हैं। एक आदमी भोला से पूछता है, अरे भोला, क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो? कल रात मेरे घर में रखे पैसे कोई चुरा कर भाग गया, मैं तो बर्बाद हो गया। भोला बोला, चिंता मत करो, अब रोने से कोई फायदा नहीं, खेत जाओ और काम करो, भगवान जरूर तुम्हारी मदद करेगा। वो आदमी बोला। बेचारा भोला उदास होकर अपने खेत में जाता है। खेत जाने के बाद वहाँ वन देवता प्रकट होते हैं और कहते हैं, कैसे हो भोला, मुझे सब पता है, तुम्हारे साथ कैसे अन्याय हुआ है, और मुझे पता है कि तुम एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति हो, इसीलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और तुम्हें मैं इस पेड़ को जादुई आम आने का वरदान देता हूँ। इस पेड़ के आम चाहे कितने भी तोड़ो पर कभी खत्म नहीं होंगे, इसे बेचकर तुम सुखी हो जाओगे। तथास्तु। फिर भोला उस पेड़ के आम तोड़ता है। फिर चमत्कार हो जाता है। भोला ने आम तोड़े भी तो उस जगह फिर से पके आम आ जाते हैं। भोला उन आमों को लेकर सड़क किनारे बेचने लगता है। आम के साथ साथ अब वो आम का जूस और आम से बनने वाले अन्य पदार्थ भी बेचने लगता है। इससे उसका व्यापार अच्छे से चलने लगता है और फिर वो अमीर बन जाता है। यह देख शंकर हैरान हो जाता है कि कैसे कम दिनों में भोला ने इतनी तरक्की कर ली। जब वो भोला के घर जाता है तो भोला और उसकी पत्नी का वार्तालाप सुनता है। भोला कहता है,
उस जादुई पेड़ ने तो कमाल कर दिया। अगर वो पेड़ नहीं होता तो आज हम इस मुकाम तक नहीं पहुंचते और वो सो जाते हैं। फिर शंकर खुद से कहता है, अच्छा तो ये बात है, मैं अभी जाकर उस पेड़ के सारे आम तोड़ लेता हूँ। और शंकर उस पेड़ के पास जाता है और पेड़ पे चढ़ता है। जब वो आम तोड़ने ही लगता है तो उसका संतुलन चला जाता है और शंकर धड़ाम से नीचे गिरता है। नीचे गिरने के बाद वो जोर से चिल्लाता है, अरे अरे मर गया रे, बचाओ, अरे बचाओ रे, कोई बचाओ। यह सुनकर भोला और पड़ोस वाले वहाँ आ जाते हैं। तब सभी को शंकर के कृत्य के बारे में पता चलता है और वे लोग उसे और पीटते हैं और फिर पुलिस बुलाकर उनके हवाले कर देते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी, हमें जरूर बताइए।